हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक है उसे आगे बढ़ाएंगे। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो होता है कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जो आप गैसेस स्टेट पढ़ते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो इसमें हम लोग मानते हैं कि गैस के पास जो है काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। तो जो एनर्जी काइनेटिक है वो मोशन में है, लेकिन मोशन तीन प्रकार के इसके पास होते हैं। ये बात ध्यान रखते हैं कि इसके पास जो मोशन है किसके पास, गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स या ओवरऑल आप पार्टिकल्स बोल सकते हैं, इसके पास तीन टाइप के मोशन होते हैं। कौन कौन मोशन होते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन होते हैं, रोटेशनल मोशन होते हैं और वाइब्रेशनल मोशन होते हैं। ट्रांसलेशनल समझिए तो रैखीय टाइप का, जो आगे की ओर जो गति कर रहा है, ठीक है, रैखीय गति की ओर, ठीक है, आगे की ओर आप बोल सकते हैं, ये आगे की ओर जो बढ़ रहा है गैस, जैसे आगे की ओर मूव करता रहता है, आपके तरफ गया, इधर इधर कहीं भी गया, जैसे अगरबत्ती का धुआं है तो देखते हैं इधर उधर आपको जाता रहता है, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। बाकी जो गैस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रोटेट भी करते रहते हैं, तो उसको हम लोग जो है बोला करते हैं रोटेशनल मोशन, जिसमें गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स खास करके डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, पॉलीटॉमिक, ये जो होते हैं वो रोटेट करते रहते हैं किसी एक्सिस के अबाउट। तो रोटेशनल मोशन, इसको आप घूर्णन गति बोल सकते हैं, घूर्णन गति। उसके बाद जो पार्टिकल रहा करते हैं उसके पास जो है और भी मोशन हो सकते हैं, वाइब्रेशनल मोशन हो सकते हैं, इसको कंपन गति बोलते हैं, कंपन गति, कांपता रह सकता है आपको। लेकिन आपको ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो तीन तरह के मोशन है इसमें सबसे पहले जो एनर्जी जाएगा वो ट्रांसलेशनल एनर्जी जाएगा। कोई इंसान समझ लीजिए कि कोई है और उसके पास समझिए कि ऐसा नहीं कि प्रचुरता है और उसको पैसा मिलता है, तो सबसे पहले वो किस में खर्च करेगा? खाने पीने में। आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमको तो मिलेगा तो हम जूता चप्पल लिपस्टिक ये सब में खर्च कर देंगे, ऐसा नहीं। बात यह कि यदि आपको एकदम मौलिक फंडामेंटल रूप से इस्तेमाल करना हो, कोई कुछ भी नहीं देने के लिए हो, तो सबसे पहले आप क्या बचा कर रखिए? खाना। पहले जिंदा रहिएगा तब ना जूता खरीदेगा, मोबाइल खरीदेगा, जींस खरीदेगा, तो सबसे पहले खाना। देखिए एग्जाम्पल बता रहे हैं कि यदि आप किसी भी गैस या सिस्टम को यदि आप एनर्जी देते हैं तो उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स के पास जो है ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज करता है वो। उसके बाद यदि आप उसका टेम्परेचर राइज करते हैं, हीट देते हैं, दैट एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड एज रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी अलोंग विथ, साथ साथ ट्रांसलेशनल एनर्जी के साथ साथ हो रहेगा, मतलब ट्रांसलेशनल एनर्जी में चीजें जाएगा ही। जैसे आप खाने पीने के बाद ही सब कुछ खरीदते हैं या किसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, खाना आपका पहला इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है एक तरह से। ये अलग बात है, प्रचुरता रहते हैं तो आप इन सब बेसिक बातों को ध्यान नहीं देते हैं एक तरह से। तो ट्रांसलेशनल सबसे पहले, फिर रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी में जो है इस्तेमाल होगा, और इससे एसोसिएटेड जो भी एनर्जी रहेंगे उसका नाम से बोलेंगे, इसे ट्रांसलेशन से तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशन से तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए जो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए ये डायटॉमिक, सपोज कर लीजिए डायटॉमिक है, तो ये इस एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट कर सकता है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो ये जो रोटेशन है, रोटेशन ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हालांकि मॉलिक्यूल्स में ही ज्यादा इस्तेमाल होंगे ये, तो इसको हम लोग जो एनर्जी इसमें जो यूटिलाइज होता है या एनर्जी जो इसके पास है उसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लीजिए एटम और मॉलिक्यूल इस तरह से, और ये रोटेट कर रहा है एक तरह से, ये बॉन्ड लाइन दिखा रहा है, मान लीजिए यहां एटम मॉलिक्यूल है डायटॉमिक, तो रोटेट कर रहा है, तो ये जो एनर्जी है इसको हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। साथ साथ में ये वाइब्रेशन कर सकता है, एक सिंबॉलिक रूप से हम लोग स्प्रिंग बना दे रहे हैं, ये वाइब्रेशन कर सकता है, कांपता रह सकता है। तो ये जो एनर्जी है कांपने, कंपन जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वाइब्रेशनल एनर्जी, और इससे जो एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी होगा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। तो तीन प्रकार के मोशन आप पढ़ें, तो जो भी आप बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कि काइनेटिक एनर्जी में जाता है, तो उसमें तीन तरह का काइनेटिक एनर्जी होता है, ये बात को ध्यान रखते हैं। वाइब्रेशनल में अलोंग विथ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक तरह से जो, ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी में जो, ठीक, यदि पूछे कि किस एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी का भी इन्वॉल्वमेंट चला आता है, तो वो एनर्जी जो है वाइब्रेशनल एनर्जी एक तरह से। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी जाहिर सी बात है मूव कर रहा है आगे की ओर जा रहा है, तो हाफ एम वी स्क्वायर लगाएगा एक तरह से। रोटेशनल एनर्जी में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशन में मास का जो रोल होता है, जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया का होता है, मतलब रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्सिया का वही रोल होता है जो ट्रांसलेटरी मतलब मोशन में या जो लीनियर मोशन होता है उसमें जो मास का रहता है, जैसे मास वैसे इधर जो है मोमेंट ऑफ इनर्सिया। लेकिन ध्यान रखते हैं कि मास और मोमेंट ऑफ इनर्सिया में अंतर, ठीक है, मास कंटेंट ऑफ मैटर बोलते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई इज इक्वल टू
एम आर स्क्वायर बोलते हैं, मास के साथ साथ डिस्टेंस का स्क्वायर, उसका प्रोडक्ट रहा करता है। तो ये बात को आप समझते हैं एक तरह से, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, यदि ट्रांसलेशनल है तो हाफ एम बी स्क्वायर, यदि रोटेशनल है तो यही बोल रहे थे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जो काम मास का है वही रोटेशन में आई का है, जो काम वेलोसिटी का है लीनियर मोशन में रोटेशन में, वही काम एंगुलर वेलोसिटी का है ओमेगा का, जो कि आपस में रिलेटेड रहता है। अब जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में जान लीजिए, तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कंपन, तो मोशन भी है इसके पास, मोशन भी है, ठीक है, साथ साथ में कहां पर आपने मेन पोजिशन के अबाउट जो है, तो पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं तो रीस्टोरिंग टाइप का एनर्जी होगा तभी ना कांप रहा है, वरना चला जाता या चिपक ही जाता एक तरह से, ठीक है। तो डायटॉमिक ट्राइटॉमिक या पोलिटॉमिक के पास जो है आपको रोटेशनल और वाइब्रेशनल हो सकते हैं, और ये सब तभी आएगा जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, जब हीट एनर्जी ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। और आगे चल के पढ़िए कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को प्रभावित करता है एक तरह से, इक्विपार्टिशनिंग ऑफ एनर्जी में एनर्जी कैसे कैसे बंटवारा होता है इसके बारे में पढ़िएगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको जानकारी रखने का बहुत जरूरत है। तीन टाइप का बताए मोशन, तीन टाइप का एनर्जी। अब इसी में एक हम लोग इंपॉर्टेंट काफी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हर एक जगह पे, जो चाहे छोटे कॉम्पिटिशन दीजिए, इलेवेंथ दीजिए आप, ट्वेल्थ दीजिए आप, कोई भी कॉम्पिटिशन अच्छे दीजिए, इक्विपार्टिशनिंग ऑफ एनर्जी इसके बारे में पूछा करता है। इक्विपार्टिशनिंग ऑफ एनर्जी आप ग्रेजुएशन में पढ़िएगा, कल को इंजीनियरिंग में पढ़िएगा, यदि फिजिक्स है और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक से गुजरे हैं तो इक्विपार्टिशनिंग ऑफ एनर्जी के बारे में जिक्र निश्चित रूप से रहेगा। इसी में आप हायर जो आप फिजिक्स पढ़ते हैं जैसे बीएससी वगैरह में या आप इंजीनियरिंग वगैरह में, तो इसमें आप जो है इक्विपार्टिशनिंग ऑफ एनर्जी में मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ते हैं, जो कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का जो है बातें रहा करता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान एमबी स्टैटिस्टिकल लॉ बोला जाता है, एमबी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी आप बोल सकते हैं एक तरह से, तो हायर कॉन्सेप्ट होते हैं। लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको जिसका जरूरत है वो आप वहां तक रुक जाइएगा, बाकी हम स्टेप बाय स्टेप पूरा आगे तक बढ़ा देंगे। तो अगले क्लास में हम लोग इस बात को डिफाइन करेंगे कि इक्विपार्टिशनिंग ऑफ एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो निश्चित रूप से देखते हैं, और सीखना है तो आप कुछ वीडियो को रेगुलर रूप से पढ़ते हैं, देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली रील्स की तरह जो है या मनोरंजन की तरह देख लेते हैं। चार साल तीन साल कोरोना के बाद देख चुके हैं कि यदि आप ऐसा ही देखते हैं मोबाइल टाइम पास की तरह, तो आपका समय सिर्फ और सिर्फ बर्बाद होता है और कुछ नहीं होता है।